में। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ ईद का मौका है। ईद का मौका नहीं लेकिन खुशी का मौका है, ज़रूर है। ईद तो गुजर चुका है लेकिन हमारे यहाँ आज ईद है, क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है ना अब अम्मी जान को मिलने के लिए जा रहे हैं और उनको रिसीव करेंगे। हाँ, तो पब्लिक सीन कुछ ऐसा है कि हम आपका भाई तैयार हो चुका है, बाकी लोग भी तैयार हो चुके हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, और अभी हम बस सिर्फ अंकल लोगों का वेट करें। जब वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और अभी हम बस घर से निकल चुके हैं और ये उधर आप लोग देख सकते हो, इसको हम अभी उधर गाड़ी में लेके जाएंगे, उधर रखेंगे। तो आप लोग देखते रहना और इन्जॉय करते रहना। और अभी कोच आप लोग देख सकते हो, कोच आ चुका है। तो अभी बस सबका भाई जो है ना इसमें एंटर होने जा रहा है। और अभी गाड़ी के सिंची फुल करवा रहे हैं, नाउ वी आर वेटिंग फॉर इट, सो देन वी विल गो टू एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से हैदराबाद से पहुंच चुके हैं, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिच्छू खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट साफ तरीके से आप लोगों को नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लिखा है वेलकम टू बिच्छू खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपका भाई जो है पहले एंट्री करेगा। हाँ हाँ, तो पब्लिक यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और आपका भाई भी वेट कर रहा है, और आप लोग भी हमारे साथ वेट करते रहना, क्योंकि अभी लैंडिंग में काफ़ी टाइम रहता है, काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। और आपके भाई ने ड्रिंक्स उठाई है, तो फिलहाल मैं ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहना कि क्या होता है, लेट्स सी। और बड़ी मुश्किल से आपका भाई जो है ना अंदर आ चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी। हाँ फैम, तो पीछे आप लोग देख सकते हो बिच्छू खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं अंदर आ चुका हूँ। तो बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, अंदर आ नहीं दे रहे थे, तो मैं बहुत मुश्किल से आ गया हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि कैसे आ गए आप अंदर, तो एक्चुअली बहुत बड़ी सी फॉरेस्ट मैंने अपने साथ लाई थी, नानी मेरे पास आई थी, तो जब खातून होती ना, औरत होती, तो फिर वो साथ में जाने देते, अदरवाइज़ वो आपको नहीं जाने देते। तो मुझसे पहले अंकल जो थे ना वो अंदर गए थे, लेकिन मुझे अंदर नहीं लेके जा रहे थे। और आप लोगों को मैं दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, ये वॉच आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर मैं वज़ू बना रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया वहाँ पर। तो फिर हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जो थे ना रास्ता तय किया था, और फिर मुझे याद आ गया कि मैं तो वॉच भूल चुका हूँ वहाँ पर। तो मैंने जल्दी अंकल को बोला कि अंकल मुझसे वॉच जो है ना भूल चुका हूँ, तो काइंडली आप लोगों की मेहरबानी होगी, जब वापस चले जाएंगे तो वॉच को मैं उठा लूँगा पैसे। तो मैं बहुत परेशान था वॉच के लिए, क्योंकि ये स्पेशल मैंने मंगवाया है, ऑर्डर किया है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मस्त तो था, और क्योंकि वापस जा रहे थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमको वॉच जो है ना वापस मिल गई। और हाँ पब्लिक, सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोग को बताता चलूँ, वो ये है कि आपका बाइक को सिक्योरिटी वालों ने मना कर रहे थे कि अंदर आप नहीं जा सकते बिच्छू खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपकी भाई ने भी बहुत बड़ा खेल उन लोगों के साथ खेला, क्या किया आपके भाई ने, आपकी भाई की शैतान में दिमाग में शैतानी, यही नहीं अभी और सुनिए, आपके शैतान की भाई में एक दिमागी आइडिया आ गया। हाय चैनल, वेलकम टू माई गाइज, कैसा लगा मेरा मजाक? तो आपकी भाई ने भी इन लोगों के साथ एक गेम खेला, वो कैसे, मेरे जहन में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना इनके साथ भी एक प्रैंक खेला जाए, क्योंकि मुझे तो वैसे भी अंदर नहीं लेके जा रहे थे। तो फिर मैंने भी इन लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेला, वो कैसे, नानी सुई हुई थी, तो मैंने नानी को उठाया और फिर उनको भी अपने साथ लेके आई। तो फिर सिक्योरिटी वाले कह रहे थे कि हाँ भाई क्या सीन है, मैंने बोला कि भाई नानी है साथ में, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर जा सकते हो। तो फिर मैं भी अंदर मौजूद हूँ, और क्योंकि उनका जो फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम था वो थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से अभी लैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और इंशाल्लाह बस अभी आएंगे वो लोग, तो फिर इंशाल्लाह हम उनको रिसीव करने जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग थोड़े बोर हुए होंगे मुझसे, क्योंकि हर वक्त मैं आपको अपना शेयर दिखाता हूँ, कह रहे होंगे कि यार कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाओ। तो चलो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये मायूस होकर बैठे, क्यों भाई किसका वेट कर रहे हो, क्या सीन है, क्या सीन है? अच्छा भाई आप क्यों बैठे हो, किसका वेट कर रहे हो? पेरेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा वो अभी आ रहे हैं अभी। अच्छा ये कह रहा है कि अबू अम्मी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो इनका मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई आप क्यों आए हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ? हे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किस बारे में पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, किसका वेट कर रहे हो? आंटी, हमारा आंटी
हज से आ रही थी। अच्छा, उसका इंतजार कर रहे हैं। और आपका हाल ठीक है? क्या आपका हाल ठीक है? हाल ठीक है, सिर्फ आपकी आंटी आ रही है, बाकी कोई नहीं आ रहा? अंकल भी आ रहा है। अच्छा, अंकल भी आ रहा है। और यहाँ पर वो चेहरा बैठा है जो कैमरे से अपने आप को छुपा रहा था, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। सरंगे शाही अच्छा सका इधर तो सकवे दल की मेंटी रोनो दो अंकल मेरा रोंदा। अच्छा, कम से ना रवान दी हजना रवान दी तो वो तो वेट करे। अच्छा, तंग शो होना ही बरसो होना ही द माहौल सरंगे द माहौल बड़े किस और तो हुआ माहौल कोडे शदा सो जी जो कर दी। अच्छा, तो इनसे भी बात हो गई, ये कह रहे हैं कि आपकी अम्मी के लिए और अबू का वेट कर रहे हैं, और माहौल के बारे में मुझसे पूछा कि माहौल कैसा है, उसने बोला कि माहौल भी काफ़ी अच्छा है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आप लोग सोच रहे हो कि ये हार मैंने क्यों पहना है, फिलहाल मैंने खुद पहना है, जब अबू आएंगे फिर इनको पहनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आएंगे फिर इनको हार पहनाएंगे, और आप लोग भी थोड़ा वेट करते रहना क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और अभी हम बस अपने घर जा रहे हैं, काफ़ी रश है, बहुत थक चुके हैं, और खुश भी है क्योंकि अम्मी और अबू को फाइनली हमने रिसीव कर लिया है, और बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली पहुंच चुके हैं। तो अभी हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। नींद से बेदार हो गए, अभी सुबह का नमाज़ पढ़ेंगे, काफ़ी थक चुके हैं, अभी वजू बनाएंगे, इसके बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे सुबह का, बहुत थकी हुई है पब्लिक, इसी अभी नींद से बेदार होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत थक गया हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका भाई बहुत थक चुका है। हाँ, तो यहाँ पर व्लॉग की एंडिंग करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।